पुण्यात्माओं, ये सत्यनारायण की कथा है। ये सत्यनारायण कथा है, उस अविनाशी भगवान की चर्चा है। ये आप जी का सौभाग्य है कि आपको ये सुनने को मिल रही है और आप जी की आत्मा तर हो रही है। आपको नहीं मालूम आपको कितना लाभ हो रहा है। आप तो बालक हो, आपको बार बार यहां बुलाया जाता है इसलिए कि आपको जो भी कोई महीने 15 दिन 10 दिन में फिर लौट कराओगा तब तक आपकी आत्मा को तृप्त कर दें। यहां ज्ञान सुना के कुछ पाप तो ऐसे होते हैं जो दान से कटते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो संत के दर्शन से अक्षीण होते हैं, कुछ आशीर्वाद से होते हैं, कुछ सेवा करने से होते हैं, कुछ मंत्र जाप करने से होते हैं। तो यहां सब प्रकार के आपसे क्रियाएं करवाई जाती हैं। आप जी तो बच्चे हो अभी, आपको पता नहीं। जैसे माँ क्या करती है, छोटा सा बच्चा होता है 1 वर्ष का, वो दूध पी रहा होता है, या तो माँ के सतन से या फिर वैसे दूध उसको पिलाया जाता है, तो वो बच्चा खेल में इतना व्यस्त हो जाता है दूध पीना भी भूल जाता है। माँ उसको उठाकर लेती है, बेटा आजा दूध पी ले, बहुत देर होगी। तो वो दूध पीता है और दूध पीते पीते भी यूं सोचता है कभी छोड़कर माँ छोड़ डर में बात।